हमें पाकिस्तानी टीम से नहीं प्यार है, हमें टीम इंडिया से प्यार है। क्यों प्यार है? वो जीत रहे हैं, वो खेल रहे हैं, अपनी क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनको बैटिंग से प्यार है, बॉलिंग से प्यार है, उनके फील्डिंग चेक करें, बॉलिंग चेक उनके, यार अमेजिंग यार। मैं कहता हूँ इंडिया की टीम को छा गए यार तुम लोग। देखें इंडिया को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी ऐसी टीम है जो टीम इंडिया को हरा पाए। अब चुनवा लो, अब पूरी टीमों का निचोड़ ला के एक टीम बनाओ, इंडिया के खिलाफ खिलाओ, इंडिया फिर भी जीत जाएगी। अब भाई वो प्लेयर पैदा करते हैं, बिकाऊ पैदा नहीं करते हैं, पर्चियाँ पैदा नहीं करते हैं जो हमारी टीम ने पैदा की हैं, जो कि न्यूजीलैंड ने पैदा की है। 24 जून को जो है इंडिया अपना बदला लेने जा रहा है, जिस तरह से इंडिया परफॉर्मेंस दे रहा, आप देख लें पिछले मैच के अंदर जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को रगड़ा लगाया, उससे पहले आप चले जाएँ अफगानिस्तान को जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी है, पीछे पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने आ रहा है, तो लगातार इंडिया जो है जीतता हुआ आ रहा है हर मैच के अंदर। उनका जो है एक नया प्लेयर जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो उनकी बैटिंग की तरफ से हो, चाहे उनकी बॉलिंग की तरफ से हो। उनके अगर बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग परफॉर्म कर जाती है, अगर बॉलिंग नहीं चलती तो उनकी बैटिंग परफॉर्म कर जाती है। तो इंडिया इस वक्त एक ख़तरनाक टीम बन जीतने वाला है। और बदला क्या है मेरे ख्याल से, क्योंकि बम्बीरी घुमाने वाले हैं बुमराह की, अगर बॉलिंग सामने आ गई और अगर उनको पहले मौका मिल गया बैटिंग करने का ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे ख्याल से। कोई 100 स्कोर ना रिड़ते करेंगे अगर मुश्किल से कर जाते हैं। मैं ठीक हूँ। जैसे कि आपको बता, इंडिया वर्सेस बहुत बड़ा टाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है, इंडिया का बदला भी लेगा, क्या लगता है फिर कौन सी टीम किस टीम को हराएगी? यार देखिए, उम्मीद तो हमने दोनों टीमों से लगाई, अगर ओवरऑल ऑन पेपर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है और इंडिया भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का पलड़ा भारी है भाई, इंडिया की आप फॉर्म देख ले, 5 में से 5 स्ट्रीक लगा के जा रहा है। इंडिया ने वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है भाई मेरे। इंडिया जो वर्ल्ड कप घर में हारा था, ट्रेविस हेड ने जब इंडिया को हरवाया था, वही टीम इंडिया की है, वही अब टीम ऑस्ट्रेलिया की है, वही दो कहते हैं ना दो राइवल्स, क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच है भाई। मैं कह रहा हूँ इंडिया जीते, इंडिया गौरव से वो बदला लेके आए जो हमारे एशिया से ट्रॉफी लेके गया है। पिछले 8 साल से एक भी ट्रॉफी हमारे एशिया के अंदर नहीं आई है, एशिया रीजन में नहीं आई, पर मैं चाहता हूँ इंडिया ट्रॉफी जीते। इंडिया ऐसी मार मारे गौरव को, ऐसी मार मारे इनकी 7 नस्लें याद रखे। और भाई हमें नहीं चाहिए यार कोई भी, हमें पाकिस्तानी टीम से नहीं प्यार है, हमें टीम इंडिया से प्यार है। क्यों प्यार है? वो जीत रहे हैं, वो खेल रहे हैं, अपनी क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनको बैटिंग से प्यार है, बॉलिंग से प्यार है, उनके फील्डिंग चेक करें, बॉलिंग चेक उनके, यार अमेजिंग यार। मैं कहता हूँ इंडिया की टीम को छा गए यार तुम लोग। देखें इंडिया को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी ऐसी टीम है जो टीम इंडिया को हरा पाए। अब चुनवा लो, अब पूरी टीमों का निचोड़ ला के एक टीम बनाओ, इंडिया के खिलाफ खिलाओ, इंडिया फिर भी जीत जाएगी। अब भाई वो प्लेयर पैदा करते हैं, बिकाऊ पैदा नहीं करते हैं, पर्चियाँ पैदा नहीं करते हैं जो हमारी टीम ने पैदा की हैं, जो कि न्यूजीलैंड ने पैदा किए हैं। न्यूजीलैंड के एक प्लेयर ने अपना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट फारिग करवाया है, बाकी उन्होंने कहा भाई हम हारे हैं, हम भी फारिग कर रहे हैं, पाकिस्तान ऐसे स्टेप क्यों नहीं ले रहा। भाई इंडिया क्रिकेट की दुनिया में रूल कर रहा है, बॉलिंग में देख लो बुमराह छाया होगा, शदीप छाया होगा, कुलदीप यादव भी 3 विकेट्स ले रहा है, और हार्दिक पांड्या जो कि IPL में इतना बदनाम था, जब से उसने ब्लू जर्सी पहनी है इंडिया की तब से वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है, सारी टीमों को उसने कहते हैं ना कुछ चने जो भी चने चबवा दिए हैं वो करवा दिए। कौन सी टीम इंडिया को हराएगी? आप मुझे बताओ कौन सी टीम इंडिया को हराएगी? मैं फिर आपको बता दूं क्यों नहीं हराएगी। फिल वक्त तो कोई ऐसी टीम नहीं नजर आ रही जो टीम इंडिया को हरा पाए। आपने बिल्कुल, आपने 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले, सबके सब मैच इंडिया शानदार तरीके से बड़ी टीमों से जीता है, फाइनल में हार गया, बदकिस्मती थी। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी सबके सब मैच जीते। मेरी बात सुने, पता नहीं इंडिया की धरती में जो माएँ हैं क्या खाती हैं, ऐसे जो लीडर पैदा करती हैं, ऐसे बैट्समैन पैदा करें, ऐसे बॉलर पैदा करती हैं, वो कुछ माएँ हमारे पाकिस्तान में भी दे दें यार। क्या हमारी धरती के अंदर से वो टैलेंट खत्म हो गया? हमारी मिट्टी के अंदर वो ताकत नहीं रही है? हमारी खुराक में वो ताकत नहीं रही है? हमारे वो माइंड नहीं रहे हैं यार? इतना इतना पैसा देते हैं हम इनको, इतना कुछ करवाते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है? कुछ भी नहीं। आप देख लें, अकेला बुमराह पूरी पाकिस्तानी टीम पर भारी है। पाकिस्तान मैच जीत रहा था, बुमराह ने पहले ओवर के अंदर आगे मैच पलटा, मैच पलटा। जब जब बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ ओवर करवाता रहा, मैच का पैसा पलटता रहा, तो हम क्यों नहीं ऐसे बैट्समैन पैदा करते? भाई ऑस्ट्रेलिया की भूल है, ऑस्ट्रेलिया वालों भूल जाओ। बाय गॉड मैं कह रहा हूँ, अगर इंडिया वर्ल्ड कप से ये वर्ल्ड कप ना उठा पाया, मैं क्रिकेट देखनी छोड़ दूंगा, मैं क्रिकेट खेलनी छोड़ दूंगा। भाई इंडिया वर्ल्ड कप डिजर्व करती है, विराट कोहली जिनके पास हो, जिनके पास रोहित शर्मा हो, पांड्या जिनके पास हो, स्काई जैसे बैट्समैन हो, पंत जैसे बैट्समैन हो, शिवन दुबे जैसे बैट्समैन हो, सर बॉलिंग लाइन में बुमराह हो, सिराज हो, कुलदीप यादव हो, इतने इतने बड़े लेजेंड हैं इंडिया के पास, अभी भी वो वर्ल्ड कप हार जाए नामुमकिन है यार। अगर इंडिया वर्ल्ड कप हारा, मैं कहूँगा भाई ये चीटिंग हुई है, इंडिया को जानबूझ के हरवाया गया। भाई इंडिया वर्ल्ड कप डिजर्व करता है और जीत के रहेगा। 24 जून को ऑस्ट्रेलिया भी अपने कानों से निकाल दे कि भाई वो इंडिया को हरा पाएगा, ऑस्ट्रेलिया वालों ये आपकी भूल है, सोचते रह जाओ। अगर ख्वाब में हराना है हार जाओ। मैं कहता हूँ जैसी इंडिया की परफॉर्मेंस आ रही है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों की नींदें हराम हो गई हैं, वो सोना छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भाई हमने भाई इंडिया को फेस करना है, हमें तो नींद नहीं आ रही भाई, हमने विराट को कैसे फेस करना है? आप देखें पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई थी,
ऑस्ट्रेलियन कोच ऑस्ट्रेलिया को बैट्समैन को बता रहा है कि भाई विराट कोहली अगर फॉर्म में नहीं है, इसकी बैटिंग देखो, इसकी वीकनेस पकड़ो, ये हमारे लिए खतरनाक होगा अकेला, उसको कोचिंग दे रहे हैं क्लास के अंदर वाइट बोर्ड लगा के, बैटिंग दिखा रहे थे यार ये देखो विराट ऐसे खेलता है इसको आउट करो। भाई रोहित और विराट फॉर्म में वापस आ गए हैं, इन दोनों में से एक भी बैट चल गया ना ऑस्ट्रेलिया तो गया, ऑस्ट्रेलिया कहीं नजर नहीं आया। जैसे कि आपको पता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होने जा रहा है, बहुत बड़ा टाकर होने जा रहा है, क्या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपना बदला लेगा या नहीं? बिल्कुल सर, 24 जून को जो है इंडिया अपना बदला लेने जा रहा है, जिस तरह से इंडिया परफॉर्मेंस दे रहा है आप देख लें पिछले मैच के अंदर, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को रगड़ा लगाया, उससे पहले आप चले जाएं अफगानिस्तान को जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी है, पीछे पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने हारा है, तो लगातार इंडिया जो है जीतता हुआ आ रहा है हर मैच के अंदर। उनका जो है एक नया प्लेयर जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो उनकी बैटिंग की तरफ से हो चाहे उनकी बॉलिंग की तरफ से हो, उनके अगर बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग परफॉर्म कर जाती है, अगर बॉलिंग नहीं चलती तो उनकी बैटिंग परफॉर्म कर जाती है। तो इंडिया इस वक्त एक ख़तरनाक टीम बन चुकी है और इंडिया जो है 24 जून को जो है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने जा रहा है और उससे जो है बदला लेने जा रहा है, जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर जो ज़ख्म इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने दिया था उसकी भरपाई जो है इंडिया 24 जून को जो है एक यकतरफा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर जो है उसका बदला लेगा। इसी तरह यह अच्छा मुझे बताया फिल वक्त इंडिया 5 के 5 मैच विन कर चुका है शानदार तरीके से, बैटिंग भी कमाल की, बॉलिंग भी कमाल की, तो फिर क्या लगता है इंडिया इसी तरह सब मैच जीत जाएगा या फिर बीच में कोई हार जाएगा? सर इंडिया सारे ही मैच जीतेगा, जिस तरह इस वक्त इंडिया की टीम हमें नज़र आ रही है एक कंप्लीट टीम नज़र आ रही है। आप बैटिंग की बात करते हैं तो एक उनके पास 6 से 7 बैट्समैन ऐसे हमें नज़र आते हैं जो अपने दिन पर एक भी अगर बैट्समैन चल जाता है तो वो मैच का पांसा पलट देता है और अपनी टीम को जो है मैच जितवा कर चला जाता है। और अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो उनके पास बॉलर्स भी ऐसे हैं कि अपने दम पर जो है मैच जितवा सकते हैं। हमने देखा जसप्रीत बुमराह जब पाकिस्तान से अकेले ही पाकिस्तान के जबड़ों से जो है मैच छीन कर चला गया, तो इंडिया के पास 11 के 11 इस वक्त जो है मैच विनर प्लेयर्स हैं और इंडिया जो है पूरी सलाहियत रखता है कि इस मरतबा जो ट्रॉफी है वो इंडिया अपने घर लेकर जाए और सब टीमों से जो है बदला लेकर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रहा है। अभी रीज़न क्या है टीम इंडिया दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही, टीम पाकिस्तान पीछे आती जा रही है? सर मेरिट की बात है ना, इंडिया अपने प्लेयर्स को मेरिट पर सेलेक्ट करता है तो उनके आप परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं जिस तरह से वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि वो नाम के पीछे नहीं जाते, वो परफॉर्मेंस के पीछे जाते हैं। जायसवाल जैसा बैट्समैन जो है जिसने पीछे परफॉर्मेंस दी थी लेकिन अभी उसकी फॉर्म नहीं चल रही तो उसको उन्होंने टीम से बाहर बिठाया हुआ है, वो मतलब इसी तरह से वो चलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं उसको टीम के अंदर खिलाते हैं, जो परफॉर्म नहीं करता उसको जो है वो टीम से बाहर कर देते हैं। और हमारी तरफ आप देख लें कि क्या होता है कि यारी दोस्तियों पर आप 15-15, 20-20 मैच जो है बगैर परफॉर्मेंस के खेल जाते हैं, तो फिर जब आप बगैर परफॉर्मेंस के खेलेंगे, यारी दोस्ती पर खेलेंगे, मेरिट को जो है बुनियाद नहीं बनाएंगे, तो फिर आपका यही हाल होगा कि आप जो है USA जैसे बच्चों से हारेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया जो हर मरतबा जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है और जीतता है। पता है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, क्या लगता है फिर इंडिया इस बार अपना बदला लेगा ऑस्ट्रेलिया से, फिर क्या होगा? लगते वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है, मैं 110% कहूँगा कि इंडिया ही जीतने वाला है। और बदला क्या है मेरे ख्याल से कि बम्बीरी घुमाने वाले हैं, बुमराह की अगर बॉलिंग सामने आ गई और अगर उनको पहले मौका मिल गया बैटिंग करने का ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे ख्याल से, कोई 100 स्कोर ना रिड़ते करेंगे अगर मुश्किल से कर जाते हैं तो। ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया कितनी कमाल की बॉलिंग करवाएगा? 100 स्कोर भी मैं कहूँगा कि बड़ी हिम्मत की बात है अगर ऑस्ट्रेलिया कर जाती है तो। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अगर इंडिया पहली बार जिस तरह बांग्लादेश को इतना धोया था इसने पकड़ के टीम इंडिया ने, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को इतना धोएगा पकड़ के? यार इस टाइम जितना खूंखार इंडिया हुआ पड़ा है ना, जिस तरह की इनकी टीम चल रही है और जिस तरह की लाइनअप हुए हुए हैं ये बंदे, इनके पास बॉलर बेहतरीन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर, दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन, सब कुछ तो इनके पास है, कौन सी टीम आके मुकाबला करेगी इंडिया का? कोई भी नहीं है। इसी तरह अभी तक देखे इंडिया ने 5 मैच खेले हैं जो 5 शानदार तरीके से विन किए, क्या लगते हैं बकिया जो 2-3 मैच रह गए भी ये आराम से इंडिया जी विन कर आराम से? यार कोई ऐसा है नहीं, मैं कहूँगा कि ऐसे जैसे मक्खन में से बाल निकाल रहे हो आप, दूध में से बाल निकाल रहे हो, ऐसा कोई सीन है ही नहीं कि आप सोचो कि कोई टफ टाइम देगा या कोई इंडिया को बीट करेगा, ऐसा कोई सिनेरियो बनने ही नहीं वाला, इंडिया के खिलाफ कोई नहीं चलने वाला। अरे रीज़न क्या है टीम इंडिया आप देख रहे हैं इतना अच्छा परफॉर्म दे रही है, दिन ब दिन आगे निकलती जा रही है, टीम पाकिस्तान पीछे आती जा रही है? यार मसला सिर्फ यही है कि वो कर रहे हैं अपने गेम के साथ पूरी
इंसाफ कर रहे हैं, बिल्कुल वो खेलते हैं अपनी गेम को मेंटेन करके, अपनी आवाम के लिए खेलते हैं, अपनी पब्लिक के लिए, बिल्कुल ऐसी है वो, उनके जहन में कोई पैसा या कोई ऐसा लालच नहीं है, वो अपने मुल्क की इज्जत को लेकर निकलते हैं, उसको बरकरार भी रखते हैं। और जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में एंड पे चलो बैड लक होगी, लेकिन उन्होंने 10 के 10 मैच जीते, उसके बाद अब आप ये देख रहे हैं कि 5 मैच लगातार वो जीत चुके हैं जी, और अपने नाम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं अपने मुल्क की। आपको लगता है फिर मतलब ये पक्का कंफर्म कितने फीसद है आपको यकीन ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगा? 110% 100% 110% वर्ल्ड कप को लगता है इंडिया वो भी ले जाएगा वर्ल्ड कप? मुझे तो यार ख्वाबों में नजर भी आना शुरू हो गया कि इंडिया उठा रही है मुंबई। साउथ अफ्रीका ना बहुत अच्छा खेल, साउथ अफ्रीका यार साउथ अफ्रीका नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया जो है ना जो इस टाइम बन चुका है, मैं कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई बीट कर सकता है ना तो वो इंडिया से कोई प्लेयर निकल के करेगा। अच्छा अगर हम आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? विराट कोहली और बुमराह। विराट कोहली और बुमराह ये दो प्लेयर कमाल प्लेयर हैं यार, मेरे ख्याल से अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया के टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर हैं।